काट दिया क्या? टू सेवन टू नाइन फोर वन और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं प्रगति मैदान में दिल्ली से लाइव तस्वीरें। और क्योंकि 5G से गेमिंग को भी एक नई दिशा मिलेगी, नई रफ्तार मिलेगी, तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले आपको 5G के तहत किस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग का आप लुत्फ उठा सकते हैं वो आप देख पा रहे थे। और साथ साथ आकाश अंबानी, तमाम डिग्निटरीज भी मौजूद हैं, हर एक मंच पर, हर एक स्टॉल पर जाकर जो 5G से ऑपरेट होने वाले उपकरण हैं उनका एक तरीके से निरीक्षण करते हुए बिना रुके किस तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग होगी ये भी देखने वाली बात होगी। एक तरीके से देखा जाए तो एक बड़ी क्रांति इसे कहा जाए डिजिटल इंडिया के तहत, तो ये कहना गलत नहीं होगा। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ साथ RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। और जिन 13 शहरों की हम बात कर रहे थे, 13 शहरों में सबसे पहले 5G होगा, उनमें चंडीगढ़, गुरुग्राम, दिल्ली, गांधीनगर, जामनगर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली, ये तमाम शहर हैं। साथ साथ रिलायंस की कोशिश ये भी है, रिलायंस जियो की, कि जल्द से जल्द इसे पैन इंडिया लेवल पर रोल आउट कर दिया जाए। इसके तहत भी तमाम तैयारियाँ कर ली गई हैं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप प्रगति मैदान से देख रहे हैं। और अगर बात करें 5G किन क्षेत्रों में इनसे फायदा मिलेगा, तो तस्वीरें आप देखते जाइए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद हैं। साथ साथ अगर बात करें वहां की तैयारियों की और 5G किस तरीके से डिफरेंस लेकर आएगा, हमारे सहयोगी रवि लगातार मौजूद है वहां पर। और जिस तरीके से रवि हमें बता रहे थे ये धीरे धीरे कर ये लोगों तक पहुंचेगा, और क्योंकि रिलायंस की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द पैन इंडिया लेवल पर इसे पहुंचाया जाए, तो रवि हमें समझाइए क्योंकि हमारे दर्शक इस वक्त उत्सुक है 5G को लेकर। ऐसे में 4G से 5G में जब कन्वर्ट होगा, इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा, तो किस तरह से बड़े पैमाने पर बदलाव हम अपनी आम जिंदगियों में देख पाएंगे? बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा, क्योंकि अभी फोर्थ जनरेशन है इंटरनेट की दुनिया में, 4G चल रहा है, लेकिन फिफ्थ जनरेशन जैसे ही शुरुआत हो जाएगी, देश के 13 ऐसे बड़े शहर जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इसके अलावा गुरुग्राम, लखनऊ, अहमदाबाद, गांधीनगर, ये तमाम ऐसे जो शहर हैं, इंपॉर्टेंट शहर हैं, वहाँ पर जैसे ही शुरुआत हो जाएगी उसके बाद ये इन शहरों के लोग उस सेवा का लाभ तो ले सकेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके जो एक्सपर्ट्स हैं, कंपनियाँ हैं, उनका यही अनुमान है कि दिसंबर 2023 तक देश के कोने कोने में 5G सेवा की शुरुआत हो जाएगी, लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले मैं एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। स्टेज पर अभी प्रधानमंत्री नहीं आए हैं, लेकिन लगातार जो स्टेज पर आने से पहले आधे घंटे से प्रधानमंत्री अलग अलग स्टॉल का मुआयना कर रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जैसे ही प्रगति मैदान प्रीमाइसेस में आए, क्योंकि अलग अलग कंपनियों के स्टॉल लगे हैं, सबसे पहले जियो के स्टॉल पर पहुंचे। उस जियो के समय में खुद CMD रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी, इसके अलावा आकाश अंबानी, वो दोनों लोग थे और उनसे बातचीत कर रहे थे, आकाश अंबानी से बातचीत कर रहे थे प्रधानमंत्री, वो समझाने की भी कोशिश कर रहे थे कि आने वाले दिनों में किस तरीके से 5G जो नेटवर्क है देश की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदलने वाला है, क्योंकि अभी वर्ल्ड के कुछ ही देशों में 5G नेटवर्क उसकी शुरुआत हुई है, लेकिन भारत उस फहरिस्त में, उस लाइन में भारत अब आने वाला है। और सब अब कुछ ही क्षण ऐसे हैं, कुछ ही समय ऐसे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका विधिवत उद्घाटन करने वाले हैं, और 10 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड बताई जा रही है 4G से। लेकिन अभी इसकी सेवा का लाभ किस तरीके से लोग उठा सकेंगे, इसका रेट क्या होगा, हालांकि इस सेक्टर से जुड़े हुए जो मंत्री हैं, IT मिनिस्टर, टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक मैसेज भी देने की कोशिश की थी कि 4G का जो नेटवर्क है, 4G की जो सेवाएं लोग ले रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली नहीं होगा, उसी के आसपास रखा जाएगा, यानी कि ये भी देखा गया है कि लोगों की जेब पर ज़्यादा भारी ना पड़े, लोग किफ़ायती रेट पर 5G सर्विसेज का की सेवाओं का लाभ उठा सकें। और लेकिन कई ऐसे सेक्टर हैं, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, इंटरटेनमेंट है,
तमाम ऐसे सेक्टर्स के लिए बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, फायदा होने वाला है 5G सर्विसेज के लिए के क्षेत्र में। लेकिन 5G जैसे ही शुरुआत होगी, प्रधानमंत्री स्टेज से ही कुछ लोगों से भी कनेक्ट होंगे और उसमें कुछ बच्चे भी हैं अलग अलग शहरों के, वहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट होंगे कि आखिर में 5G सर्विसेज को लेकर किस तरीके से दिक्कत हो रही है, कैसे ये काम करता है। हालांकि स्टॉल पर वो समझने की इस बार आप देख रहे हैं जो स्क्रीन यहाँ पर बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं, प्रधानमंत्री को वहाँ पर अधिकारियों से भी इंडस्ट्रियलिस्ट से भी बात करते हुए आपको देखा जा सकता है इस टीवी स्क्रीन पर। उनके साथ में अश्विनी वैष्णव जो IT मिनिस्टर हैं वो खुद हैं, लगातार उनको ब्रीफ किया जा रहा है कि आखिर में किस तरीके से अब आगे बढ़ रहे हैं। देखिए दूसरे स्टॉल की तरफ प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करती है और बड़ी संख्या में इस जगह पर इस स्टॉल इस हॉल में जहां पर प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर के बाद में पहुंचने वाले हैं। देखिए आगे की तरफ प्रधानमंत्री बढ़ रहे हैं और हो सकता है कि अब स्टेज की तरफ कभी भी प्रधानमंत्री आ सकते हैं, क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। प्रधानमंत्री को यहाँ पर प्रगति मैदान में आते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में 5G सर्विसेज का कितना बड़ा योगदान होगा भारत की तरक्की में, तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदलने में। प्रधानमंत्री आप देखिए कि एक दूसरे स्टॉल पर इस समय समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि 5G सर्विसेज किस तरीके से काम करेगा देश के अलग अलग हिस्सों में जब इसकी शुरुआत हो जाएगी। हालांकि सबसे पहले 13 ऐसे बड़े शहर चुने गए हैं, क्योंकि शहर सबसे पहले इसलिए चुने गए हैं कि वहाँ पर नेटवर्क की पहले से ही दिक्कत नहीं होती है, 4G की सेवाएं उन जगहों पर पहले से ही बहुत बड़े पैमाने पर चल रही हैं, तो 5G सर्विसेज के लिए उन जगहों पर दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पर नेटवर्क यानी कि जाल पहले से ही बिछाया जा चुका है। तो इसके बाद 3 टायर 2 टायर ये जो छोटे शहर हैं, कस्बे हैं या फिर गांव तक भी 5G सर्विसेज की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि अभी 4G देश के अलग अलग कोनों तक पहुंच चुका है, हिस्सों तक पहुंच चुका है, लोग आसानी से उसकी तरीके से आप हमें बता रहे थे कि पूरी तरीके से जिंदगी में एक तरीके से कहा जाए एक पॉजिटिव बदलाव के तौर पर हम देख पाएंगे 5G के लॉन्च होने के बाद। लगातार तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति मैदान में जो तमाम स्टॉल्स लगाए गए हैं उन स्टॉल्स पर जो डिवाइसेज हैं जो 5G से ऑपरेट होने वाली हैं उनका तो निरीक्षण कर ही रहे हैं, ये तो देख ही रहे हैं कि किस तरीके से ये चलेगा और किस तरह का परिवर्तन ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। लेकिन साथ साथ न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर रह रहकर थोड़ी थोड़ी देर में ये भी बता रहा है कि कहां कौन से देश में 5G का इस्तेमाल किया जाता है, वहां कितनी स्पीड आती है, साथ साथ 5G के आने के बाद स्पीड में कितना परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य मंच की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको जिस तरीके से हमारे सहयोगी रवि ने भी बताया, आपको बता दें कि मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ साथ IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव भी रहेंगे, मुकेश अंबानी चेयरमैन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी मौजूद रहेंगे, MOS देवशीष चौहान मौजूद रहेंगे, के राजा रमन सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भी मौजूद रहेंगे, साथ साथ कई डिग्निटरीज भी मौजूद रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप जो देख पा रहे थे उसमें खुद आकाश अंबानी वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रगति मैदान पहुंचे तो खुद पैर छूकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाश अंबानी ने बाकायदा आशीर्वाद लिया और उसके बाद आगे बढ़कर डिवाइसेस के बारे में बताते रहे। फिलहाल अब भी देखिए किस तरीके से वहां मौजूद जो स्टाफ है साथ साथ जो बिजनेसमैन है उन्हें ये बताते हुए डेमो देते हुए कि 5G सर्विसेज कैसे चलेंगी और 3D चश्मा लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई डेफिनेशन वीडियोस का भी लुत्फ उठाया और आपको बता दें कि 5G से कैसे फायदा मिलेगा, क्यों हम कह रहे हैं कि ये एक ड्रास्टिक चेंज एक पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगा, इससे लो लेटेंसी रेट से माइनिंग वेयरहाउसिंग टेलीमेडिसिन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों को लाभ होने की संभावना है, इसे अत्यधिक विश्वसनीय और एनर्जी एफिशिएंट भी कहा जा रहा है जो कि शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी का उपयोग करने के लिए आदर्श हो सकती है। तो देखिए और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी रवि वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि रवि आप ऑन द स्पॉट मौजूद हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हुए